Sir, myself Om Raj Pandey. Welcome to Samsung Experience Zone. How may I help you, sir? मुझे Redmi का Note 4 device देखना है. Redmi का Note 4 device देखना है. तो आपकी सर requirement मैं जान सकता हूँ कि आप मतलब कैसे features चाहिए आपको क्या? मैं videos आ देता हूँ तो मुझे display के लिए better phone चाहिए. Okay. Videos देखता हूँ तो साथ साथ मैं guess मुझे camera better quality जी, 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 और storage ज़्यादा मिल जाए phone में. जी. Yes. जैसे आपने बोला display, camera and storage आपको ज़्यादा चाहिए. तो सर मैं उसके कंपेयर में आपको सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल J7 नेक्स्ट दिखाना चाहूंगा सर. J7 नेक्स्ट सर. ओके सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा. सर प्लीज आप देखेंगे सर काफी स्लिम स्लीक है और कंफर्टेबल ग्रिप मिलता है आपको उसके अंदर सर. इजी टू हैंडल भी है सर, राइट? उससे आप MI से कंपैरिजन जैसे आपने नोट 4 बोला उससे काफी ज्यादा स्लिमर है सर, तो आपको गुड ग्रिप मिलता है सर. जैसे साथ में सर मैं सर sure. जैसे सर आपने बताया कि आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, राइट? तो अब सर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका सुपर एमोलेड स्क्रीन जो कि इसके अंदर आपको ट्रू टू लाइफ कलर एक्सपीरियंस देता है, जो कि आप नेचुरल कलर्स देख सकते हैं. मैं आपको सर कंपैरिजन भी करा देता हूं ताकि आप अच्छे बेटर डिसीजन ले पाए. सर आप देखिए ये बिल्कुल फुल ब्राइटनेस पे है पर इसके फुल ब्राइटनेस को मैं आपको दिखाता हूं. देखिए ओके एक बार आप सी डिफरेंस देख रहे हैं इसका ब्राइटनेस का, इसका डल लग रहा है सर. यस एग्जैक्टली, क्योंकि सर ये एलसीडी स्क्रीन है और ये सैमसंग का सुपर एमोलेड स्क्रीन है जिसमें आप देख रहे हैं काफी ब्राइट और रिच डिस्प्ले मिलता है आपको, और सनलाइट में भी अगर बात करते हैं तो काफी इजीली व्यू कर पाते हैं और टच फास्ट रिस्पांस करता है सर. और साथ ही सर बैटरी कंजप्शन भी जो है इसका काफी लेस है कंपेयर टू MI का नोट 4 से सर. ठीक है सर. सर जैसे आपने बताया कि इसके अंदर मैंने आपको बताया सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलता है सर, साथ ही सर इसके अंदर सैमसंग एक्सिनोस प्रोसेसर मिलता है सर, जो कि काफी फास्ट और आपको एक्सीलेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस देता है सर. जैसे कोई भी मल्टीटास्किंग करते हैं काफी फास्ट मिलता है सर. साथ जैसे आपने MI की बात करी तो MI में सर काफी पुराना स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर यूज हुआ है, जो कि उससे मच फास्टर है सर ये सैमसंग का एक्सिनोस प्रोसेसर जो हमने J7 नेक्स्ट में यूज किया है सर. और साथ ही सर ये इसमें आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है नोगेट एंड्रॉइड 7, जो कि उसमें आपका पुराना है और उससे काफी फास्ट भी है सर. ओके ठीक है सर. सर जैसे आपने बताया डुअल सिम चाहिए, राइट सर? डुअल सिम से उसमें भी मिलता है पर उसमें आप टू सिम प्लस एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं कर पाएंगे. जैसे आपने बोला कि ऑब्वियसली सर डुअल सिम चाहिए, आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, आपको डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए, तो सर आप बहुत ज्यादा डेटा कैरी नहीं कर पाएंगे सर उसमें, क्योंकि सर इसके अंदर मिलता है आपको डुअल सिम बेस्ट डेटा प्लान और बेस्ट वॉइस प्लान के साथ आप एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 256 GB तक सर उसमें, जो कि पॉसिबल नहीं है सर. ये सर दो सिम के साथ आप मेमोरी कार्ड एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे उसमें. तो ये है सर. साथ में सर अगर मैं आपको कैमरा की बात करूं, कैमरा अच्छा बताया कि आपको अच्छा कैमरा चाहिए, तो सैमसंग J7 नेक्स्ट में आपको मिलता 13 MP का रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा 5 MP. फ्रंट कैमरे में आपको मिलता विद LED फ्लैश लाइट सर, जो कि उसमें ये नहीं है. राइट सर. आपको मैं अगर कैमरा क्लैरिटी की बात करूं तो कैमरा भी मैं चेक करा देता हूं. सर डिफरेंस आप देखेंगे सी इसके अंदर उसमें देख रहे हैं आप नेचुरल कलर और ब्राइट कौन सा मिल रहा है आपको. आप तो कैमरा की अगर रियर कैमरे की बात करूं तो इसमें f1.9 अपर्चर लेंस यूज किया गया है, जिसमें आप लो लाइट में भी काफी ब्राइट फोटो कैप्चर कर सकते हैं सर. ठीक है सर. साथ में सर इसके अंदर सैमसंग का आपको फुल साउंड एक्सपीरियंस के लिए इनबॉक्स एयरफोन मिलता है सर, जो कि आपका साउंड एक्सपीरियंस भी काफी नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है. तो बात करें तो मैं कहीं और से भी परचेज कर सकता हूं सर. एयरफोन आप परचेज तो कर सकते हैं पर उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे. ऑब्वियसली आपको कंफर्टेबल एयरफोन इन बॉक्स मिल रहा है तो उसका एक्सपीरियंस भी आपको अलग ही मिलेगा सर. आप एक फोन ले रहे हैं जिसमें एयरफोन भी नहीं है, उसके लिए भी आप मार्केट विजिट करेंगे स्पेशली एयरफोन के लिए. ओके. तो वो चीज भी है सर. साथ ही सर एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा जो कि सैमसंग यूज करते हैं J7 नेक्स्ट में, स्मार्ट व्यू. सर आप स्मार्ट टीवी के साथ वायरलेसली इसको कनेक्ट कर सकते हैं सर, विदाउट एनी वायर.
आपके पास जो भी वीडियोस हैं इसके अंदर, कोई भी मूवीज आप फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं, बैठ के फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, तो वायरलेसली इसको स्मार्ट टीवी पे कनेक्ट कीजिए सर। इसका जो भी वीडियो है, जो भी फोटोज है, आप बिग स्क्रीन पे एक्सपीरियंस ले सकते हैं सर इसका। गुड, कैसा लगा सर ये डिवाइस आपको? गुड सर। साथ ही सैमसंग का आपको ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड कॉन्फिडेंस मिलता है सर। पूरा आप अगर पैन, मैं सर पूरे पैन इंडिया की बात करते हैं तो ह्यूज सर्विस सेंटर मिलते हैं। अगर आप एमआई की बात करेंगे तो उसमें आपको सर्विस सेंटर के लिए भी भटकना पड़ेगा सर। ओके। क्योंकि सर सैमसंग एक काफी लॉयल ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, और पैन इंडिया की बात करेंगे तो हर जगह सर्विस सेंटर और फीचर्स वगैरह भी आपको जानने हैं तो किसी भी सैमसंग के सर्विस सेंटर पर विजिट कर सकते हैं सर। तो कैसा लगा सर आपको J7 Next? आप इस पे सर दो कलर्स आते हैं, ब्लैक एंड गोल्ड, तो आप कौन सा कलर लेना पसंद करेंगे? गोल्ड कलर। गोल्ड कलर, वेरी नाइस चॉइस सर, गोल्ड कलर काफी अच्छा है। तो सर आपको